क्यों देशमुख? अब तक तो जलकर राख बन चुका होगा। अरे तुम लोगों को अपने दोस्तों पर भरोसा ही नहीं है। बस बस अब ये भाषण बंद करो, हमारे कान के पर्दे फट रहे हैं। बस बंद कर। रामलीन, कौन बोल रहा है? चिल्ला मत और मेरी बात अच्छी तरह से अपने भेजे में उतार ले। तूने मेरी राख मंगवाई थी टीका लगाने के लिए, मैंने तेरे भड़कों की राख भेजी है, पूरे बदन को लगा ले। ठंडा कर, अपना भेजा ठंडा कर। चतुर सिंह के आदमियों की चिता जलाना तुम जैसे पागलों के बस की बात नहीं है। ठंडा कर। यकीन नहीं आता तो उस राख को मसल कर देख, तेरे पालतू कुत्ते की निशानियां उसमें मौजूद है। चतुर सिंह, ऊपर वाले के हाथ से तू बचे ना बचे, लेकिन मेरे हाथ से तेरे को कोई नहीं बचा सकता। अगर एक बाप की औलाद है तो एक बार मेरे सामने आकर दिखा। तू भौंकता बहुत है आराम के, और भौंकने वाले कुत्ते हमें पसंद नहीं। अगर अपने बाप की औलाद है तो आ जाना महालक्ष्मी चौक पे, हम हर साल नवरात्रि को माँ की पूजा करने वहां जाते हैं। जितनी मन्नतें मांगनी है आखिरी बार मांग ले, ये तेरी जिंदगी की आखिरी पूजा होगी।